नमस्कार, भारत एट सेवन खबर राजो के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट को बताया विकसित भारत का बजट। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बजट को बताया समावेशी। कहा, कांग्रेस काल में आमदनी और लीकेज का गहरा रिश्ता रहा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की ओर यात्रा को किया संबोधित। कहा, भारत जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ईज ऑफ लिविंग पर फोकस। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही। मरने वालों का आंकड़ा 93 के पार। 128 लोग घायल, कई लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से किया हर संभव मदद का वादा। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से की बात। मौके पर पहुंची सेना की टुकड़ी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पारित हुआ अवैध धर्मांतरण से जुड़ा अहम संशोधन विधेयक। बिल में अपराध का दायरा और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव। 10 साल की सजा को उम्र कैद में बदला गया। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने पर होगी सजा। दिल्ली कोचिंग हादसे में मौत से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग। हादसे के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। भाजपा ने राजघाट के समीप दिया मौन धरना। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और पदक। मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने देश को दिलाया कांस्य। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने सरबजोत से फोन पर बात कर दी बधाई। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतकर रचा मनु ने इतिहास। भारत एट सेवन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आज एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक पास कर दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है। दरअसल सरकार का ये मानना रहा है कि इस वक्त जो कानून है उसके प्रावधान पर्याप्त नहीं है। ऐसे में इस दिशा में अहम और बड़ा कदम उठाया गया। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये कानून। अगर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को तोड़ने के लिए धर्म परिवर्तन एक अभियान की तरह चलाया जाने लगे तो सरकार को कानून बनाना पड़ता है, और जब सरकार कानून बनाती है तभी इसमें व्यवधान आता है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराना अब कठिन होगा क्योंकि सरकार ने इसके लिए पूरी उम्र जेल में रहने का प्रावधान किया है। उन महिलाओं को जिनको गुमराह किया जाता है या एससी एसटी के उन लोगों को जिनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून में मौजूदा सजा प्रावधान और कड़े हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो मौजूदा अधिनियम में किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण के मामले में FIR दर्ज करने की अनुमति देता है। विधेयक इस प्रावधान के दायरे को बढ़ाकर किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है। इसके साथ ही विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक दुर्बल, महिला, एससी एसटी का धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का उल्लेख है। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान है। इस नए अधिनियम में लव जिहाद के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए
ये प्रावधान किया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन के लिए जीवन या संपत्ति खतरे में डालना, हमला, बल प्रयोग, विवाह या विवाह का वचन या उत्प्रेरित करता है, साजिश करता है या प्रलोभन देकर नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी करता है, बेचता है या ऐसा करने की साजिश करता है तो कम से कम 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। लखनऊ से रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे संवाददाता रामेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, अगर इस संशोधन विधेयक के बारे में आपसे जानना चाहें तो अपने आप में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, अहम कदम बताया जा रहा है। जिस तरह के केसेस आते थे, जिस तरह से चाहे बरगला के किया जाए या फिर जो है कुछ लालच दे के किया जाए, बहुत सारे ऐसे थे जिसमें लोग बाद में पछताते थे, तो उन पर इस तरह के केसेस पर कितनी बड़ी लगाम कसने की तैयारी? देखिए रमा, ये पूरी तैयारी है सरकार की। ऐसा नहीं कि सरकार ने एकाएक कदम उठा दिया। देखिए 2020 और 21 में वो कानून लाए थे कि धर्म परिवर्तन के मामले में जो व्यवधान होता था उसके प्रावधान किए गए उसमें कि ये व्यवधानित हो जो चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश में जितने इनपुट मिले उनको एकत्र किया गया है, उसके आधार पर एक कार्रवाई जो विधान है वो बनाया गया है। देखिए आप इसको दूसरे सिरे से देखिए, एक तरफ लव जिहाद है, एक तरफ वो ईसाई मिशनरीज हैं जो दलितों के बीच जाती हैं और धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, पैसा देने के नाम पर एक बड़ा कन्वर्जन करा रही। हालांकि वो घटनाएं इसलिए खुल के नहीं आती हैं कि उनके नाम नहीं परिवर्तित होते हैं, लेकिन वो पूजा पद्धति धीरे धीरे बदलने लगते हैं और उनसे प्रेरित हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक विधा यह है कि महिलाओं को फंसाते हैं और उनको धीरे से लाते हैं और उसके बाद उनकी क्या स्थितियां होती हैं, कई दुर्घटनाएं हम लोग अपने सामने देख चुके हैं। लखनऊ है, मोहनलालगंज है, बहराइच है, बरेली है, सहारनपुर है, इस तरह के करीब 500 केसेज हैं जो इस तरीके से हैं कि जुगलबंदी करके एक दूसरे के माध्यम से जाते हैं। अभी एक मामला आया था कि एक ट्रेनिंग, जहां ट्रेनिंग के लिए जाती थी वो महिला प्रेरित करती था मुस्लिम लड़कों से शादी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बाद में ट्रेनिंग सेंटर बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो ये जो व्यवस्थागत था कि स्टेप बाई स्टेप आप करते रहो और धीरे से एक एक लड़की को लाओ और उसका लव जिहाद के नाम पर लेकर के, और बाद में कहो कि धर्म परिवर्तन करोगे तभी हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे, ऐसे हम नहीं आपको ला सकते हैं, तो ये जो पूरी व्यवस्था चेंज चल रही थी उसको तोड़ने के लिए सरकार को जो कदम उठाने थे वो सरकार ने उठाए हैं। और विधानसभा में जो ये बिल पारित हुआ है, ये विधेयक पारित हुआ है, इसके पारित होने के बाद आप मानिए कि उत्तर प्रदेश में लोग दहशत खाएंगे इस तरीके की कार्रवाई में आने के लिए, और जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से काम हो रहा वो भी रुकेगा। रामा जी बिल्कुल, सजा का प्रावधान कड़ा है और इसके साथ ही जो जमानत के प्रावधान है वो भी काफी कड़े हैं। बिल्कुल, जमानत के प्रावधान भी कड़े किए गए। सरकार ने जो हम बता रहे हैं कि सरकार एक एक इनपुट उठा करके उसमें कार्रवाई की गई है कि कहां कहां चूक रह गई है 2020-21 के कानून में, जहां जहां चूक रह गई थी उसी को आधार बनाया गया है, इसलिए वो सारी चीज़ें की गई हैं जो उस कानून में नहीं थी। देखिए आजीवन कारावास है, सजा का प्रॉपर प्रावधान है, जमानत भी जल्दी नहीं मिलेगी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस कानून को अलग करती हैं। और इस कानून की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को रमा जी थी, जिस तरीके से लगातार कन्वर्जन हो रहा, आप नेपाल का जो हिस्सा है, जो तराई का हिस्सा है, जबरदस्त कन्वर्जन वहां चल रहा था, लखनऊ के इर्द-गिर्द जो ईसाई मिशनरीज हैं लगातार काम कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कोई धर्म एक धर्म कर रहा था, सनातन धर्म पर लगातार संकट है और सब चाहते हैं कि जितना भी कन्वर्जन आप कर सकते हो उतना करो। देखिए उत्तर ये लोकतांत्रिक देश है, तो अगर आप राजनीति करते हो तो यहां बहुत सारी राजनीति इस तरीके से होती है, पूरी डेमोग्राफी आप चेंज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल रामेंद्र, इसमें कई तरह के जो रैकेट्स थे वो भी इसमें शामिल थे। आप बता रहे हैं कि ये तैयारी जो है काफी पहले से शुरू हो चुकी थी, कितना चुनौतीपूर्ण भी था ये करना।
देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, जहां आज वोट की राजनीति है उसमें किसी सरकार को इस तरह का स्टेप उठाना बहुत कठिन होता है। तौकीर रजा बरेली के जो मौलाना हैं वो खड़े होकर कहते हैं और डीएम को एप्लीकेशन देते हैं कि हमको शादी के लिए अनुमति दी जाए और कन्वर्जन के साथ हम शादी कराएंगे। ये हैसियत इस देश में किसी की अगर हो रही है तो इसका मतलब कानून हमारे ठीक नहीं है। अगर कानून हमारे ठीक होते तो ये कोई नहीं कह सकता था कि धर्म परिवर्तन के साथ हम शादी की अनुमति चाह रहे हैं। तो ये जो चूके थी, आपको बता रहे हैं कि डेमोग्राफी, आप समझिए कि रायबरेली जैसी जगह में 20,000 लोगों के निवास प्रमाण पत्र बन जाते और बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। तो पूरी जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात चल रही ना, उससे पूरी राजनीति प्रभावित होगी आगे आने वाले समय में, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आप बनारस और अयोध्या, भाजपा की जो कम अयोध्या की हार और बनारस में कम वोटों का अंतर, आप अगर उसको देखिए तो आपको लगेगा कि विदेशी फंडिंग कैसे काम करी। तो उस पर काम किया गया है, उसके आधार पर एक कानून बनाया गया। रमा बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक कवर भी इसे मिलता था वो अब नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब समय हो गया है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, चले प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों को उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में तीखे अंदाज में नजर आए। आइए आपको भी बताते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कई मायनों में खास हो गया है। आज सत्र के दौरान प्रश्नकाल में एक सवाल का जवाब स्वयं मुख्यमंत्री ने दिया। दरअसल प्रश्नकाल में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उनकी रोकथाम से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में महिला अपराध में अपराधियों को सजा दिलाने में तीसरे नंबर का राज्य है। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को दी गई है। 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहाँ पे भर्ती किया। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा समाजवादियों से है। सरकार ने शहदों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे, उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन top 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान। नेता प्रतिपक्ष के एक प्रश्न के जवाब में सीएम योगी ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि 2017 से 2024 तक
पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत 9,875 अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाई गई है। 2022 से 2024 के बीच महिलाओं के विरुद्ध पॉक्सो अपराध में शामिल 16,718 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा हुई है। जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पॉक्सो संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये बीते दिनों की बात है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर कोई नेता ये कहे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब जो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व है वो ये कहता है कि अगर इस चौराहे पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की कोई कार्रवाई हो तो अगले चौराहे पर वो ठोक दिया जाएगा। कानून भी सख्त हुए हैं और महिलाओं को पुलिस में नौकरी देकर महिला थाने और महिला डेस्क बनाई गई हैं जहां वो अपनी बात रख सकती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में महिला अपराध कम हो रहा है। विशाल सोनकर के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अब बात ओलंपिक खेलों की। आज हमारे देश के लिए फिर गर्व का दिन रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरबजोत सिंह से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने सरबजोत को बधाई दी और बधाई देने के साथ साथ भविष्य में होने वाली अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये किया, आपकी डिवीजन में थोड़े से रह गए लेकिन आपने हाँ जी बस वो तो करके दिखा दिया। हाँ जी, एक इनअटेंस रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊंगा, उसकी तैयारी ज्यादा अच्छी करूंगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया है जी। लेकिन आप और मनु की जो टीम इस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, हाँ जी, और एक बढ़िया टीम वर्क आपने दिखाया है, हाँ जी, हाँ जी, उसका क्या कारण है? उसका तो सर कुछ नहीं, बिकॉज 2019 से मतलब हम जैसे नेशनल्स में होते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी टीम होती है हमारी। हर बार मतलब नेशनल में गोल्ड लिया हमने, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप हो गया और अदर वर्ल्ड कप्स हो गए, उसमें भी हमारे गोल्ड ही ऑलमोस्ट सारे, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट टाइम होप करूँगा इससे अच्छा आपको मतलब गोल्ड ले के दिखाऊँ। आप करोगे मुझे पूरा विश्वास है, आप मेहनत भी कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं। यस सर। तो मनु का आभार के सर, उसका भी डोप टेस्ट चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन मनु को भी अभी 25 मीटर के लिए तैयारी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, वो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। यस सर, जरूर। और फिर से आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वहाँ जो हमारे सब खिलाड़ी हैं, हाँ जी, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। यस सर, यस जरूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली की सरोन तहसील का फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि इन प्रमाण पत्रों के जरिए बांग्लादेश के रोहिंग्याओं ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली होगी। रायबरेली की सलोन तहसील में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तकरीबन 20,000 जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। मामले में जन सुविधा केंद्र के संचालकों और ग्राम विकास अधिकारी को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब इस मामले के तार काफ़ी दूर तक नज़र आते हैं।
कहीं ना कहीं ये मामला बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ की नागरिकता देने से जुड़ता हुआ भी नजर आता है। तमाम सारी जांचें की जा रही हैं, एटीएस की टीम भी रायबरेली पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सलोन विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की आईडी से 20,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला और गंभीर हो गया है। इस बात की पूरी आशंका है कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी रोहिंग्याओं को ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ऐसे में इस बात की भी पूरी आशंका है कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से रोहिंग्याओं ने भारत की नागरिकता हासिल कर ली हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा विधायक अशोक कोरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया था। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उनसे अनुरोध भी किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, NIA या STF से इसकी जाँच हो और ये केवल एक तहसील स्तर तक ना रहे, इसको पूरे प्रदेश स्तर पर और पूरे देश स्तर पर एक गहन जांच होने की बहुत जरूरत है। इस पूरे मामले की जांच में राज्य सरकार ने ATS को भी शामिल कर लिया है। इस फर्जीवाड़े में संदिग्ध भूमिका में पाए गए ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव समेत जनसुविधा केंद्र के मालिक जीशान खान और उसके नाबालिग भाई सुहेल से ATS की टीम पूछताछ कर रही है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की गई कार्यवाही पर रायबरेली की जनता ने भी संतुष्टि जाहिर की है। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों का ढुलमुल रवैया अब भारी पड़ रहा है। सलोन का प्रकरण जब हम लोगों संज्ञान में आया तो 18 तारीख को हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय प्रधानमंत्री के नाम, माननीय जो है राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन हम लोगों ने दिया। और जब उस विषय की गंभीरता को हम लोगों ने देखा जाना तो हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया था कि इसकी जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी या CBI से इस प्रकरण की जांच कराई जाए। क्योंकि क्या था कि जैसे ही प्रकरण वहां पे संज्ञान में आया और जीशान जब उस पर आया कि जो है उसके खिलाफ एप्लीकेशन है और इस तरीके से, तो उसको एक क्यों करके शाम को ही जो है उसको छोड़ दिया गया। और जब हम लोग संगठनात्मक सक्रिय हुए, ऊपर तक अपनी बात पहुंचाई, तब जा करके जो है लखनऊ से लेकर के यहां तक की टीमें गईं और वहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए TG न्यूज। लड़के वाली, बोली वाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और अब बात केरल के वायनाड की, जहां पर बारिश अपने साथ बहुत बड़ी आफत लेकर आई। इलाके में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में अब तक 90 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों को निकालने का काम जारी है। इसके साथ ही केरल सरकार ने 2 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा की है। केरल के वायनाड में आज सुबह भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से जो हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस हादसे में कईयों ने अपनी जान गंवा दी। लोगों को जो जान माल का नुकसान हुआ उसका अंदाजा लगाना भी अभी मुश्किल होगा। इतनी भारी मात्रा में अचानक हुई बारिश से इलाके की मिट्टी कटती चली गई, लोग जमीन में समाते चले गए। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। हादसे के तुरंत बाद से ही बचाव अभियान शुरू हो गया। हादसा इतना बड़ा था कि बचाव अभियान में सेना की भी मदद ली गई। इसी क्रम में सेना मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुट गई। NDRF की टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।
हमारी एक टीम एनडीआरएफ की पहले से ही वायनाड जिले में तैनात थी, जो मानसून की आपदा से निपटने के लिए उसको तैनात किया गया था। जैसे ही आज हमें सुबह इस बार एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ है, हमारी टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। हमारी टीम ने जाते ही वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन था तत्परता से शुरू किया और इस समय तक जब तक हमें लास्ट खबर मिली है तो हमने 2 लाइव रेस्क्यू करे, 74 को हमने इवैक्यूएट किया, 21 हमने डेड बॉडी निकाली है। अभी भी हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, पर एक प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है कि जो वहाँ का लोकल ब्रिज था वो ब्रिज टूट गया है, जिसके कारण राहत कार्य में कुछ हमको अड़चन आ रही है। इस हादसे के कारणों का एक्सपर्ट पता लगा रहे हैं। दरअसल वायनाड के जिस पिंपादी इलाके में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, वहां बड़े पैमाने पर मिट्टी का क्षरण बीते कुछ सालों में हुआ है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ने का काम किया। इसके साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।